अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में तीन कंडीशन में आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है कि बहुपदों पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, ठीक है। तथा इसमें तीन कंडीशन में आपको आंसर देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे जो भाज्य होता है हमारा पी ऑफ एक्स होता है, और जिससे भाग देते हैं यानी कि भाजक ये हमारा जी ऑफ एक्स होता है, मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है। और जो भागफल होता है आता है वो आपका क्यू ऑफ एक्स कहलाता है, और नीचे जो भी शेषफल यानी कि शेष जो भी आता है आपका, शेष जो भी आता है आपका वो आर ऑफ एक्स कहलाता है। ये बात तो आप लोग पहले से ही जानते हो, ठीक है। इसमें आपको तीन कंडीशन में आपको आंसर देना है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि घात जो है ना पी ऑफ एक्स का क्यू ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए, ऐसा आप क्या करो एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स के बराबर हम ले लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और जी ऑफ एक्स बराबर आप ले लो तीन, ठीक है। आपको ऐसा उदाहरण कुछ भी आप एग्जांपल अपने अनुसार ले सकते हो, बस याद रखना कि एक्स क्यू लिए हो ना, जो भी लो, जो भी आप घात जो भी लेना चाहते हो ले लो, आपकी मर्जी, जो भी घात लेना चाहते हो, सात लेना चाहते हो सात लो, कुछ भी घात लो, घात कुछ भी लो, लेकिन उसका गुणांक जो भी रहेगा ना, उसका गुणांक जो भी रहेगा ना, उसी गुणांक से आप भाग दोगे ना, तो आपका जो क्यू ऑफ एक्स है ना, क्यू ऑफ एक्स का जो घात है वो पी ऑफ एक्स के घात के बराबर ही रहेगा, बस उसका गुणांक वही गुणांक रखना जो आपका जी ऑफ एक्स से आप जिससे भाग दे रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स से हम लोग भाग देंगे यानी तीन से भाग देंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू में, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर बार में लग जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा करके नीचे लिखाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ओके। ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पी ऑफ एक्स का घात कितना है एक्स स्क्वायर, और क्यू ऑफ एक्स का घात कितना है एक्स स्क्वायर, यानी दोनों का घात क्या है समान है, यानी कि पहला कंडीशन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बस याद रखना इसका और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फाइव एक्स का पावर क्यू, ओके, क्यू वाला लिए थे लो, अब ये फोर वाला ले लेते हैं, ठीक है, प्लस फाइव ले लेते हैं या प्लस फोर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसी के गुणांक से, पाँच से हम भाग देंगे तो हमें जो है जो q ऑफ x का जो घात होगा ये इसी के बराबर घात होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ओके। जो गुणांक रहेगा, जो आपका गुणांक रहेगा ना घात का, उसी से आपको भाग देना है, वही आपका q ऑफ x आएगा, ये आपको याद रखना है कंडीशन, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन के अनुसार ये आपका क्या हो गया, उदाहरण हो गया, किसका उदाहरण है जी, चाहो तो आप ये उदाहरण लिख लो, चाहो तो आप ये उदाहरण लिख लो, ठीक है, कोई एक ही उदाहरण आपको बोल रहा है देने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे भाग दे करके भी नीचे बता देना कि हाँ भाई भाग देते हैं तो दोनों का घात क्या होता है, समान होता है, ठीक है, ओके। चलिए दूसरा कंडीशन का हम लोग यहाँ आंसर देते हैं, ये पहला कंडीशन मेरा क्या हो गया, मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, क्यू ऑफ एक्स जो है ना, यानी कि क्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये जो है क्यू ऑफ एक्स जो है ना, क्यू ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए किसके भाई, आर ऑफ एक्स के, इसके बराबर होना चाहिए, ओके। ऐसा उदाहरण आप लीजिए, सोचिए हम क्या ले, क्या उदाहरण ले कि हमें क्यू ऑफ एक्स का जो है बराबर आ जाए आर ऑफ एक्स के, ठीक है, आप सोचिए। तो याद रखिएगा हम यहाँ क्या करते हैं, पी एक्स बराबर जो भी लेंगे ना चर संख्या, मान लो ये वाला चर संख्या हम लिए, गुणांक क्या है कोई मतलब नहीं, सिर्फ घात पे आपको फोकस करना है, घात की बात हो रही है, गुणांक की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो घात क्या है, घात हम ले लेते हैं जैसे फोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं, इससे एक कम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स, घात कितना है मैक्सिमम चार है ना, तो हम क्या करते हैं घात हम थ्री ले लेंगे, ठीक है, एक्स थ्री से हम लोग भाग करते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे 2x पर पावर 4 प्लस 2x प्लस 3 से हम लोग भाग देंगे, किससे भाई, x पर पावर q से, ठीक है, इससे हम भाग देंगे तो x बार में लगेगा, ओके, x बार में लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x पर पावर 4 क्या हो जाएगा, 2x पर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तभी नीचे लिखेंगे, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2x प्लस 3, अब ये भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका घात कम है, इसका घात ज़्यादा है। तो देखिए आपका q ऑफ x का घात कुछ नहीं तो क्या है, एक है, और r ऑफ x का घात कुछ नहीं तो क्या है, एक है, यानी कि ये एक उदाहरण जो है सटीक है हमारा, ठीक है। यानी आप कोई भी ऐसा उदाहरण आप ले सकते हो, और फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल लेकर के आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। p ऑफ x की जगह आप ले लो 5x पावर 5 प्लस 6x प्लस 7, बस याद रखना जो g ऑफ x रहेगा
जो इसका मैक्सिमम घात है ना उससे एक कम लेना, ठीक है। जैसे हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं एक्स पर पावर फोर लेते हैं, गुणांक कुछ भी रहे, गुणांक पे आपको फोकस नहीं करना है, गुणांक कुछ भी रहे, गुणांक आप लेना चाहते हो तो याद रखना कि ऐसा लो जो कि इससे क्या हो भाग लग जाए, ठीक है। देखिए द्वितीय छे यानी तीन तीन एक्स पर पावर फोर है ना, तो द्वितीय छे ये भी कट जाएगा, ओके। तो ऐसा उदाहरण आप ले सकते हो, ठीक है। यानी ये भी हमारा क्या हो गया, आप चाहो तो ये उदाहरण रखो, आप चाहो तो ये उदाहरण रखो, और इसका इन्फिनिटी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, इसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है। बस याद रखना जी ऑफ एक्स का घात जो है पी ऑफ एक्स से एक कम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आपका जो है दो नंबर का एग्जाम्पल जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि घात जो है आर ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, ऐसा उदाहरण लीजिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ले लेते हैं, क्या उदाहरण ले सोचिए, 2x² + x, कोई दिक्कत, या फिर 2x² + 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम भाग दे देंगे x² से, तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा x² से हम लोग भाग दे रहे हैं 2x² + 2 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² है ना, कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2, यानी कि इसका घात कुछ नहीं तो क्या है, जीरो है, क्योंकि हम इसे एक्स पर पावर जीरो लिख सकते हैं, एक्स पर पावर जीरो। अचर संख्या में अगर हम इनटू में चर कर दें, कोई भी अचर संख्या है इसके ऊपर चर संख्या में पावर जीरो दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसका घात क्या है, एक्स के वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बाई जेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर ऑफ एक्स के टर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्स के टर्म में हम एग्जाम्पल ले लेंगे।